नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। देख लीजिए फ्रंट एलिवेशन किस तरीके का है, और ये बहुत ही एक अच्छी लोकेशन कालवाड़ रोड पे लोकेटेड है, रॉयल सिटी के जस्ट एंटर करते ही है। यहाँ पर सामने की साइड पर देख रहे हैं 20 कदम का डिस्टेंस होगा शायद मेरे ख्याल से, और 80 फीट की रोड जा रही है यहाँ से, और सभी प्रकार की एमिनिटीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही नियरेस्ट मिल जाती है। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो 24 नंबर बस, 32 नंबर बस और 7 नंबर बस जो कि आपको मेन सिटी तक लेकर के जाती है, और हॉस्पिटल या स्कूल की बात की जाए तो सारी ही सुविधाएँ यहाँ पर आपको बहुत ही पास में मिल जाती है। वेस्ट फेसिंग का ये मकान है, और मैं बता दूं यहाँ पर जो है ये 100 गज में बना हुआ है, 15x60 का डायमेंशन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एंट्रेंस कुछ इस तरीके का है, और स्लोप यहाँ पर जो है बर्म यहाँ पर इस तरीके की बना करके दी गई है। इजीली आपकी कार यहाँ पर पार्क हो जाएगी, बड़ी से बड़ी कार यहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन देखा कितना सुंदर और कितना अच्छा फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। और बात करूँ अगर पॉर्च की, तो पॉर्च का साइज़ यहाँ पर 15x24 का साइज़ दिया गया है। देख रहे हैं आप कितना स्पेसियस साइज़ है, यहाँ पर आप झूला लगा सकते हैं एक और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। शाम का समय, सुबह का समय, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही आपको इतना अच्छा स्पेस मिल रहा है जहाँ पर आपके बच्चे आराम से प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अभी पानी की अगर बात की जाए तो वाटर टैंक प्रोविज़न यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि 6500 लीटर का वाटर टैंक प्रोविज़न है। मकान की हाइट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी एक हाइट दी गई है। घर के अंदर लेकर के चलूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस घर का नक्शा देखना चाहते हैं, हमारा नया चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इस विला के अंदर, इस खूबसूरत विला के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपके घर के अंदर होता रहेगा। टू साइडेड ओपन आपको गेट यहाँ पर वुडन का दिया गया है। सनमाइका की बात की जाए, प्रीमियम क्वालिटी की सनमाइका यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है। 100 गज में बना हुआ है, 15x60 का डायमेंशन है। प्राइस मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिल खुश होने वाला है। 90 भी टेक्निकली अप्रूव्ड है, 90% लोनेबल है। बहुत एक अच्छी प्रॉपर्टी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जो कि कालवाड़ रोड पे लोकेटेड है। सामने की साइड में देख रहे हैं टेक्सचर डिज़ाइन और बीच में शोकेस बना करके दिया गया है। मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर कहता हूँ ना कि लकड़ी का गेज लगवा करके आप जो है अच्छा बना सकते हैं। देख रही वुडन का जो है पूरा गेज और बीच में ग्लास, इस तरीके का मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर ये चीज़ आप बनवाते हैं तो बहुत एक अच्छा खूबसूरती को एनहांस करता है, बहुत अच्छा एक लुक आपको मिल जाता है। बात की जाए हॉल की, तो यहाँ पर जो है हॉल का साइज़ 14x16 का साइज़ मिल जाता है। लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर सामने की साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है वुडन का काम करके दिया गया है। यहाँ पर LED पैनल आपको बना करके दिया गया है, 32 से 44 इंच तक के LED इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर जाने का, रूफ पे जाने का, फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता यहाँ से आपको दिया गया है जो कि अंदर से स्टेयर्स यानी कि अंदर से दी गई है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फुल सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है अपना फ्रिज वगैरह रख सकते हैं, अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको बना करके दिया गया है। और अगर बात करूँ रेलिंग की, तो जिंदल की रेलिंग यहाँ पर यूज़ की गई है, बीच में टफन का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इस साइड में आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, यहाँ पर आपको वॉश बेसिन लगा करके दे दिया जाएगा। यह इसका कॉमन बाथरूम हो गया, लेंथ वाइज लंबा है और पीछे से वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इसका जो है एक बाथरूम, सॉरी यहाँ पर जो इसका एक किचन है जो कि मॉड्यूलर किचन यहाँ पर आपको दिया गया है। स्पेसेस साइज में 8x10 का साइज है, एल शेप में बना करके दिया गया है, और ग्रेनाइट का यूज करते हुए, और ऊपर की साइड में प्रॉपर स्पेस, नीचे की साइड में आपको जो है प्रॉपर कैबिनेट्स, सामने की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर जो है विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। हाइट काफी अच्छी दी गई है यहाँ पर, और 8x10 का स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। अब मैं दिखाऊंगा इसका एक फर्स्ट बेडरूम जो कि नीचे की साइड में आपको दिया गया है। चैनल बने हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइज की बात करूं 10x14 का साइज है। सामने की साइड में देख रहे हैं कितना प्यारा और कितना खूबसूरत टेक्सचर डिजाइन दिया गया है। ऊपर की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर जो है सीलिंग डिजाइन, इस तरफ AC का सेपरेटली पॉइंट, और यहाँ पर देखिए एक गुप्त अलमारी आपको दी गई है जो सपाट अभी खुल नहीं रही है, अभी थोड़ा लॉक लगा हुआ है। अंदर की साइड में आपको अलमीरा बना करके दी गई है, किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको इस तरफ करेंगे और ये यहाँ पर हिडन हो जाती है। अभी हम लोग आ गए हैं इसके बैकयार्ड के एरिया की, और एरिया की अगर साइज़ की बात करूं तो 4 फीट की जो है यहाँ पर पीछे की बैकयार्ड का एरिया दिया गया है। इस साइड में आपको जो है प्रॉपर जो है शेल्फ बना करके दी गई है, यहाँ पर आपका हैवी से हैवी सामान रख सकते हैं, स्टोन की स्लैब है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। पीछे की साइड में प्रॉपर गेज आपको लगा करके दिया गया है, आप चाहें तो जो है यहाँ पर इसे रोप वगैरह लगा करके कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं या फिर वॉशिंग एरिया की तरह इस जगह को यूज़ ले सकते हैं। अभी चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाते हैं कि किस तरीके का फर्स्ट फ्लोर से बना हुआ है। लेकिन चैनल पर नए हैं, बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाइए इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। एक गिव अवे चल रहा है, आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक लकी विजेता को 10,000 रुपये का इनाम AR Homes की तरफ से दिया जाएगा। प्राइस इसका मैं बता दूँ 90 भी टेक्निकली अप्रूव्ड है,
35 लाख रुपए जो है इसका प्राइस होने वाला है। 100 गज में बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना हुआ है। 10x16 का साइज है। सामने की साइड में देख रहे हैं टेक्सचर डिजाइन है, बीच में आपको शोकेस बना करके दिया गया है और ग्लास का यूज करते हुए। ऊपर की साइड में आप देखेंगे टेक्सचर डिजाइन है और रॉयल सिटी के अंदर है। सामने की साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको इंडियन शीट लगा करके दी गई है, लेंथ वाइज लंबा है। ऊपर पीछे की साइड में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस साइड में आपको मिल जाता है इसका सेकंड बेडरूम 10x14 के साइज में, स्पेसेस साइज है। और यहाँ पर आपको जो है अटैच में बाथरूम है। सामने की साइड में टेक्सचर डिजाइन है। इस तरफ मिल जाती है आपको इसकी देख रहे हैं वार्डरोब, और ऊपर की साइड में सीलिंग डिजाइन, यहाँ पर विंडो का प्रोविजन। इस साइड में इसका जो है बाथरूम है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको वेस्टर्न शीट लगा करके दे दी जाएगी। ये इसके बैकयार्ड का एरिया आ गया है जो कि 3 फीट का एरिया दिया गया है। आप रस्सी वगैरह लगा करके कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। यहाँ पर गेज लगा करके दिया गया है, बर्ड्स वगैरह अंदर नहीं आने वाले हैं। और 14x3 का साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर इसका थर्ड बेडरूम। ये जो बेडरूम था 10x14 का था, और हॉल मैंने आपको दिखा दिया है। ये रूफ पर जाने का रास्ता है, ऊपर से बंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रूफ नहीं दिखाते, बंद रहता है क्योंकि चोरी वगैरह हो जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन है और जो कारीगर काम करते हैं आप समझ रहे हैं, तो इसलिए बंद रहता है। 10x14 का फिर से साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है, और सामने की साइड में टेक्सचर डिज़ाइन। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो जो है सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल रहा है। इस साइड में आपको वार्डरोब दी गई है, जो भी आपका सामान हो इजीली आप यहाँ पर रख सकते हैं। सामने की साइड में यहाँ पर विंडो प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है। स्पेसेस साइज में बेडरूम है। और हम लोग आ गए हैं बालकनी की ओर, जो कि यहाँ पर अटैच में आपको मिल रही है। और बालकनी की अगर साइज़ की बात करूँ तो 4 फीट की बालकनी दी गई है, जो कि 14x4 की बालकनी है। आसपास का सराउंडिंग एरिया प्लीज़ एक बार देख लीजिए। 35 लाख रुपये जो है इसका प्राइस होने वाला है, ऑन टेबल निगोशियेबल होने वाला है। मान सम्मान में कुछ ना कुछ बिल्डर के माध्यम से कम किया जाएगा। जयपुर की एक बहुत अच्छी लोकेशन पे आपको जो है बहुत एक अच्छी प्रॉपर्टी मैंने दिखाई है, जो कि 100 गज में बनी हुई है, 15x60 का डायमेंशन है, और साथ ही जो है 90% लोनेबल प्रॉपर्टी है। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस घर का भी नक्शा वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।